गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब आए हो? अच्छे हो गए? तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मार्केट का हाल तो बहुत बुरा है, बारिश हो गई, ओले पड़ रहे हैं इतने तेज तेज और पूरी मार्केट गीली हो गई। मुझे तो बारिश बड़ी गंदी लगती है। नजफगढ़ में ओले गिर रहे हैं छोटे छोटे। शादी में जाना है तो मैंने इसकी प्रेसिंग करी है, हो गए ना स्ट्रेट, इस वाली मशीन से करी है ऐसे VNG की। मैं आ गई घर पर, अभी आई हूँ जस्ट, क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा तो कस्टमर तो आने नहीं थे, इसलिए शॉप जल्दी बढ़ा दी और मैं घर आ गई। तो अब मैं चेंज करके मिलती हूँ आपसे थोड़ी। गाइस मौसी के हो गए तो सूट टाइट उनको कर रही हैं, ठीक जल्दी से टाइट हो गए हैं सारे सूट, क्या करूं। गाइस मौसी के व्लॉग में आपने देख ही लिया होगा, मेरी आवाज़ पहचान ली होगी कि नलायक लड़की फिर आ गई। मैं नानी के घर पे रोज आती हूँ, रोज का काम है मेरा आने का। मेरा घर पे जो दूधी आता है ना, वो भी मुझे कहता है कि आपका घर नहीं है क्या ये, जो आप नानी के घर पर चले जाते हो रोज, आपका डिनर वहीं पर होता होगा पक्का। आपने देख ही लिया था मौसी को, मैं सिलाई करते हुए शूट कर रही थी और ये मैडम जी खड़ी है, ये कल गांव जा रही है 1 महीने के लिए। इसके यूनिट टेस्ट है, मेरे भी यूनिट टेस्ट है, इसकी मौज हो गई, मेरी मौज हो गई इनकी। ये हम ये तो 10th क्लास पर 6th क्लास भाई, देखो एक बात बता, 10th क्लास का पता कितनी बड़ी क्लास थी, हम सीनियर अपने स्कूल के, सेकेंडरी पब्लिक स्कूल है हमारा स्कूल। मैं नर्सरी की सीनियर हूँ, नर्सरी क्लास की सीनियर है ये, 6th क्लास की लड़की। तो अब हम खाएंगे आलू के पराठे, आज बंदे हमारे घर पे आलू के पराठे। यही रुक रही है? हाँ यहीं पे खाऊंगी। चल ठीक है, चल वो गेट लगा के आ। हमारे टीवी का ना रिचार्ज खत्म हो चुका है तो मैं रिचार्ज कराने जा रही हूँ। हम जा रहे हैं रिचार्ज कराने के लिए और बारिश हो रही है, बुरा हाल हो रहा है सड़कों पे। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता बारिश में निकलना, बट क्या करूँ। देखो कितना बुरा हाल हो रहा है ना, बहुत बुरा हाल हो रहा है, बारिश तो बहुत गंदी। अभी तो बुआ दुकान पर पहुंच चुकी हैं टीवी पे रिचार्ज डलवाने के लिए। डीटीएच का हाँ। अरे टीवी का उसे सेट बॉक्स कहते हैं। 194 का करा लो। 194 का नहीं होगा, 200 का होगा या 190 का होगा। 190 का, 190 में कितने दिन मिलेंगे देखना। प्लान तुम्हारे में कौन सा है तुम पता होगा ना, तो मैसेज आया होगा ना मोबाइल पे कितने का रिचार्ज होता है। ऐसे आलू उबाल कर कौन कौन खाता है मिर्च के साथ बताना। हम तो यूपी से बिलोंग करते हैं तो हम तो खाते हैं ना मम्मी, हम तो खाते हैं, अच्छे लगते हैं बहुत। आप भी खा लो, मेरे मोमू को बहुत अच्छे लगते हैं। कहते छोटी दादी के भूख लग ली आपको, ये आलू के पलाटे बन रहा है चपचे पहले तेरा, बुआ बनाएगी आज आलू का पलाटा, खाएगी ना हमारी क्यूट है ये, क्यूट प्रिंसेस। बोल जल्दी बोल, ऐसे बोलना, इधर देख, इधर इधर देख, बोलो बुआ के चैनल को सपोर्ट करो, ऐसे बोल। अच्छा ये बोल दे लाइक कर देना, जल्दी बोल, बोलो लाइक कर देना, लाइक कर दो, ये ऐसे कर दो, देखो ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे करो लाइक कर देना, ये गाइस ये वैसे बहुत बोलती है और है ना जब कैमरा ऑन हो जाता है ना तो इसको ना सांप सूंघ जाता है। आप देखो कैसे देख रही है, देखो ये आ गई हमारी पागल दीदी, ऐसे ऐसे बोलती है और बिल्कुल चुप हो जाएगी जैसे बिल्कुल कुछ नहीं बोलती, और बोलती इतना है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कहती मेरी तरह ही हो। ये भी बहुत बोला है। वो बुआ से पराठे बना रही हैं, बुआ देखो आपको आते ही नहीं, वो सीख रही हैं क्योंकि इनकी शाली है ना इसीलिए। ये देखो क्या कर दिया, ये बन जाएंगे, ये देखो बुआ। क्यों सीखूँ ना बुआ, सीखो आना चाहिए सब कुछ है ना, आगे बताओ। चलो चलो, पराठों पे तेल लगा रही हैं, वो तेल लगा रहे हो, रिफाइंड लगा रहे हो? रिफाइंड है बेटा। अच्छा मुझे आते नहीं है ना इसलिए पूछ रही हूँ।
ये हमारे नन्नू का पराठा है, उसको भूख लग रही है इसलिए मैंने उसका सबसे पहले बिना मिर्च वाला बनाया है, कम मिर्च का पराठा। बच्चे है ना कम मिर्च वाले खाते हैं ना इसलिए, है ना भाभी। ये दिखा पराठा, ये देखो पराठा कैसा बनाया है, कमेंट करके बताना। अभी ये सीख रहा है, ये बहुत टेस्टी बनेगा मुझे पता है, मेरी बुआ बच्चे बनाती है। पराठा बाबू कैसा बनाया? अच्छा बनाया ना, फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, अच्छा बना गया ना। अच्छा बना, अब सारे पराठे बना दिए मैंने, अब मैं भी खा लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद। गाइस मोजी ने आज पहली बार खाना क्या बना लिया, ये इतनी खुश हो रही हैं, इतनी खुश हो रही है ना कि इनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, है ना। मुझे भी बहुत पसंद आए। ड्यूटी पर से आई है तो एग रोल लेकर आई है, आलू के पराठे खा के पहले इतना पेट भर गया, अब ये भी खाना पड़ेगा। टेस्टी है भाभी, खा लो। खाया नहीं ऋषिका? वहाँ गई है मम्मी के साथ। अच्छा गाइस मैंने ना फर्स्ट टाइम आलू के पराठे बनाए थे तो बहुत अच्छे पराठे बने और सबने मेरी तारीफ करी, मम्मी को भी पसंद आए और भाभी को भी पसंद आए और मेरी जो बहन की लड़की आ रखी थी उनको, मतलब एक्स वाई जेड फर्स्ट टाइम में बहुत बढ़िया बना दिए मैंने, तो खा भी लिए। तो अब इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, शेयर करना, बाय बाय।